हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ललित। आप देख रहे हैं टैग गोविंद यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपके पास सोनी का वीडियो कैमरा है जिसका मॉडल नंबर है सोनी MC2500, तो अगर आप इसमें अगर के इंटरनल मेमोरी है जो कि आप एक एक करके फाइल डिलीट करते हो, उसको आप एक साथ फॉर्मेट कैसे कर सकते हो, चाहे आपकी इंटरनल मेमोरी हो या मेमोरी कार्ड हो, तो आप इसमें ऐसे एक साथ ही फॉर्मेट कर सकते हो। जबकि आप डिलीट करते थे तो आपको एक एक क्लिप पे सेलेक्ट करना पड़ता था और आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होता था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि आप एक साथ कैसे इंटरनल मेमोरी को फॉर्मेट कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास सोनी MC2500 वीडियो कैमरा है तो इसको आप एक साथ फॉर्मेट कर सकते हो। आपको द्वारा टिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको थंबनेल वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैं मीन वाला बटन प्रेस करूँगा, तो इस तरह आप डिलीट करते हो। आपके पास बहुत सारी फाइलें होती हैं तो यहाँ पे आपको बार बार एक एक करके ऐसे करके क्लिक करना पड़ता है, ऐसे करके एक एक करके क्लिक करना पड़ता है जब आपकी फ़ाइल डिलीट होती हैं। तो इसको आपको एक बहुत सारी फाइल हों आपके कैमरे में तो आपको एक साथ कैसे फॉर्मेट करनी है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, स्क्रीन पर जाना है। स्क्रीन करने के बाद आपको मेन्यू वाला बटन प्रेस करना है और यहाँ पे सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद इसमें आपको करना है इस वाले आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें आपको ऑप्शन पूछेगा, आपको इंटरनल मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करना है या फिर मेमोरी कार्ड जो लगा हुआ है वो फॉर्मेट करना है। तो मुझे इंटरनल मेमोरी एक साथ पूरी जो क्लिप हैं पूरी शादी की वो फॉर्मेट करनी है, तो मैं इस पर आपको क्लिक करूँगा। ये आपसे पूछेगा फॉर्मेट ऑल डाटा विल बी डिलीटेड, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है और सेट वाले बटन को प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो मेरी यहाँ पे 2-3 क्लिप थी, इसलिए ये जल्दी फॉर्मेट हो गया है। ये थोड़ा फॉर्मेट होने में टाइम लेता है, तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हो अब एक भी क्लिप नहीं है मेरी जो इंटरनल मेमोरी है। और जो मेरा मेमोरी कार्ड है आप देख सकते हो उसमें इतनी सारी क्लिप हैं, तो मैं ऐसे इसे भी आपको फॉर्मेट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको मेन्यू वाला बटन प्रेस करना है और सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे आ जाना है आपको, और यहाँ पे जो कि मीडिया फॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इंटरनल मेमोरी आप किसको आप फॉर्मेट करना चाहते हो या मेमोरी कार्ड को। तो आप देख सकते हो मैं एक साथ सभी क्लिप्स हैं जो कि फॉर्मेट हो जाएंगी, और ओके करने के बाद आपका ये फॉर्मेट होने लगेगा। आप देख सकते हो मेरा जो कार्ड है वो फॉर्मेट हो रहा है, तो ये कम्प्लीट मेरा फॉर्मेट हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो एक भी क्लिप नहीं है। तो इस तरह से आप अपने सोनी MC2500 वीडियो कैमरा है उसको फॉर्मेट कर सकते हो।